फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, कार कंपनियों ने बम्पर डिस्काउंट ऑफर निकाले हुए हैं, लेकिन कारों की बिक्री ठप पड़ी हुई है। शोरूम में गाड़ियों की लाइन लगी है, यानी कारें बिक नहीं रही हैं। फेस्टिव सीजन में भी कारों का मार्केट एकदम ठंडा पड़ा हुआ है, कार कंपनियों के सारे दांव फेल हो गए हैं। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। डीलरशिप में रिकॉर्ड इन्वेंट्री मौजूद है, कारों की बिक्री में गिरावट आई है, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी फाडा ने बयान जारी करके बताया है कि अभी तक गाड़ियों का स्टॉक 80 से 85 दिनों का हो गया है, जो पहले कभी नहीं हुआ। देश भर में 7.9 लाख गाड़ियां डीलरों के पास पड़ी हैं, जिनकी कीमत 69,000 करोड़ रुपए है। क्यों फेस्टिव सीजन में कारों की सेल नहीं हो रही है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर कौन सा संकट आ गया है? क्यों कारों की सेल का ग्राफ अचानक गिरा है? ये पूरा मामला क्या है, आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। इस साल अगस्त महीने में कार डीलर्स के पास 70 दिन की इन्वेंट्री हो रही थी, जबकि कार डीलर 30 दिन का स्टॉक रखते हैं। कार डीलर्स के पास 73,000 करोड़ रुपए की कारें शोरूम और गोदामों में पड़ी हुई थीं। कार कंपनियों को उम्मीद थी कि फेस्टिव सीजन के दौरान कारों की सेल बढ़ेगी। कंपनियों ने फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले बम्पर डिस्काउंट ऑफर भी निकाले, लेकिन इसके बाद भी कारें बिकी नहीं। फाडा के सितंबर महीने के आंकड़े बताते हैं कि कारों की बिक्री में 18.81% की गिरावट आई है। टू व्हीलर की बिक्री 8.81% गिरी है और कमर्शियल व्हीकल की सेल 10.45% गिरी है। डीलर्स के पास वाहनों का स्टॉक पहले से 68 से 72 दिनों का है, जो बढ़कर 80 से 85 दिनों का हो गया है। फाडा ने चेतावनी दी है कि डीलर्स को अब फाइनेंशियल प्रेशर महसूस हो रहा है और कैश फ्लो की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फाडा ने अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आग्रह किया है कि वो ऑटोमोबाइल डीलर्स के सामने आने वाले जोखिम को कम करने के लिए फंडिंग पर सख्त दिशा निर्देश जारी करे। फाडा ने कहा है कि अक्टूबर 2024 में रिटेल बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दशहरा और दिवाली दोनों बड़े त्यौहार आने वाले हैं, लेकिन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची इन्वेंट्री डीलरशिप के लिए जोखिम हो सकता है। भारी डिस्काउंट और ऑफर के बाद भी डीलर्स के मुनाफे पर असर पड़ सकता है। अब कार कंपनियां डिमांड को पूरा करने के लिए डिस्पैच पर दोबारा से विचार कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर भारत की 3 सबसे बड़ी कार कंपनियों ने डीलरशिप को 10% कम यूनिट्स की शिपिंग की है। अनबिकी कारों को लेकर जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, वही अब सामने आ रही है। डीलर के पास अगर कार की इन्वेंट्री 30 दिन से ज्यादा की है तो उसे नुकसान होना तय है। इस वक्त स्टॉक 85 दिनों का है। कार कंपनियां तमाम कोशिश के बाद भी बिक्री बढ़ाने में कामयाब नहीं हुई है। कुल मिलाकर अभी कार कंपनियों की परेशानी दूर होती हुई नहीं दिख रही है। आने वाले दिनों में कई बड़े त्यौहार आ रहे हैं, कारों की सेल बढ़ेगी या नहीं आने वाले वक्त में पता चलेगा। जिस तरह से गाड़ियों की बिक्री में गिरावट आई है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।